हेलो गाइस, गूगल ट्यूटोरियल्स में मैं पवन शर्मा। हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लेट फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन में 2, 3, 4 और 5 पुट करते हैं, 3, 4, 5 और 9 आता है। ऐसे ही जी फंक्शन में 3, 4 और 5 और 9 पुट करते हैं तो 7, 11 और 15 आता है। बी ए फंक्शन एंड डिफाइन इज, जैसे कि फंक्शन में एफ 2 पुट किया तो 3 आया, 3 पुट किया तो 4 आता है, 4 पुट करने से 5, 4 और 5 पुट करने से 5 आता है। ऐसे G3 में G3 पुट करने से 7, G4 पुट करने से 7, G5 पुट करने से और G9 पुट करने से 11 आता है। तो कहता है GOF निकालिए, फाइंड कीजिए GOF। तो क्या है कि पता दिया हुआ है कि F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और F3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और F4 और F5 की दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। यानी ये x है और ये क्या आ रही है, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y। यानी 2, 3, 4, 5 पुट करने से जो वैल्यूज आ रही है वो क्या है, y है। कहने का मतलब ये क्या है कि जो वैल्यूज आ रही है वो क्या है, रेंज है। तो रेंज ऑफ f फंक्शन की जो रेंज क्या होगी, वो क्या होगी, 3, 4 और 5। ऊपर देखने से 3, 4 और 5 वो जी के क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। तो ये 3, 4, 5 क्या हो जाएंगे, डोमेन ऑफ जी फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन की तो रेंज है और डोमेन फंक्शन की डोमेन है जी फंक्शन की। तो अब हमें क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ, सबसे पहले हमें जी ओ एफ निकालेंगे 2 के लिए, जी ओ एफ टू यानी जी फंक्शन के अंदर एफ टू की वैल्यू कितनी है कि F2 पुट करने से 3 आता है। तो F2 की वैल्यू कितनी है, 3, वो 3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, G3। और G3 की वैल्यू कितनी होती है, फिर G3 की ये दी हुई थी कि G3 और G4 की वैल्यू कितनी है, 7। तो यहाँ से एक ऑर्डर पेयर बन गया, क्या ऑर्डर पेयर बना कि 2 पुट करने से 7 आया है। तो यानी ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2 और 7 का ऑर्डर पेयर बने। ऐसे ही GOF, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, GOF3 निकाला, GOF3। तो आप फंक्शन F3 यानी F3 की वैल्यू क्या है वो रखो, F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू है 4। तो G4, अब G4 की वैल्यू देखिए कि G4 की वैल्यू भी क्या है, 7 है। तो ऑर्डर पेयर क्या बनता है, इधर से 3 और इधर से 7, तो 3 और 7 इस प्रकार से। अब GOF 2 आ गया, 3 आ गया, 4 पुट करो, 4 पुट करते हैं तो यानी फंक्शन F4 की वैल्यू कितनी आती है, F4 की वैल्यू आप देखोगे कि F4 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो G5 की वैल्यू कितनी है, G5 की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 और 11। ऐसे ही GOF 5। तो आप फंक्शन F के अंदर 5 की वैल्यू पुट करोगे, 5 की वैल्यू पुट करते हो तो 5 की वैल्यू कितनी आती है, 5। तो G5 कितना आता है, G5 आता है 11। तो ऑर्डर पेयर यहाँ से क्या बनेगा, 5 और 11। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर पेयर बनी है, 2, 7, 3, 7, 4, 11 और 5, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन एफ और जी सच दैट आर टू आर है, आर डिफाइंड रिस्पेक्टफुली बाय एफ एक्स, ये दिया हुआ है फंक्शन, और जी एक्स फंक्शन ये दिया है। देन फाइंड एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ ऑफ एफ और जी ओ जी निकालना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हमें एफ ऑफ जी निकालना है, यानी एफ ऑफ जी फंक्शन, यानी एफ ओ जी एक्स, जी एक्स क्या दिया हुआ है, 2x। तो जी एक्स की वैल्यू रख देंगे 2x-3। अब ये 2x-3 इसको आप x मान लो, जहां पे भी फंक्शन x, फंक्शन में x दिया हुआ है वहां पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी 2x-3। तो फंक्शन क्या था हमारा, x² + 3x + 1। तो वहां x की जगह क्या हो जाएगा, 2x-3 उसका स्क्वायर प्लस में 3x की जगह फिर क्या हो जाएगा, 2x-3 और फिर प्लस का 1। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a-b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर
प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 12x प्लस का 6x माइनस का 9 प्लस का 1। तो इसको सोल्व करने से क्या बनता है, 12x² और माइनस का 6x, 9 से 9 कट हो गया, प्लस का 1। तो ये आपका आता है f(x)। ऐसे ही g(f) निकाल लोगे। अब हम निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं f(f) यानी फंक्शन के अंदर fx। अब fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या थी, x² प्लस का 3x प्लस का 1। अब इसको आप x मानो, जहां पे भी फंक्शन दिया हुआ है x, वहां पे ये x की जगह पुट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x x की जगह क्या हो जाएगा, x² प्लस का 3x प्लस का 1, और ये देखो यहाँ पे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का 3, फिर x की जगह यही आ जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1, और फिर प्लस का 1 अलग से दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2ab तो 6x³, प्लस में 2bc तो 6x, प्लस में 2ac 2x², फिर इसको 3x² प्लस का 6x प्लस का 3 और प्लस का 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो x की पावर 4, 6x³ 6x³ स्क्वायर 2 3 5 और 9 14x² 14x² फिर 6x 6x 12 6 और 6 12 3 3 9 यहाँ 9 आएगा, 3 3 9 तो 6 और 9, ये देखो यहाँ से 3x² प्लस में 9x प्लस में 3, तो 6 और 9 कितने हो गए, 15x, और फिर बच गया यहाँ से 1 और 3 और 5। तो इस प्रकार से ये f ऑफ f आ जाएगा। ऐसे ही आप जी ओ जी निकालोगे। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिगुर बोल रहा हूँ मैं पवन शर्मा। हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि लेट फंक्शन आर टू आर एंड जी फंक्शन आर टू आर बी गिवन, रियल टू रियल है, बी गिवन फंक्शन एफ एक्स कोस एक्स भी है और जी एक्स 3x² भी है, शो दैट एफ ऑफ जी ऑफ और एफ ऑफ जी नॉट इक्वल। सोल्व करते हैं इसको, एफ एक्स दिया हुआ है कोस एक्स और जी एक्स दिया हुआ है 3x², तो जी ओ एफ निकालना है। तो जी एफ एक्स, एफ एक्स जी के अंदर एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है हमारा कोस एक्स, तो ये कोस एक्स आ गया। अब जहां पे जी के अंदर एक्स दिया हुआ है वहां पे कोस एक्स पुट हो जाएगा, तो ये रहा, तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कोस एक्स, तो 3 cos x और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3 cos² x। अब हमने निकालना है एफ ऑफ जी, तो जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जी एक्स कितना था 3x², तो 3x². अब फंक्शन एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3x², तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3x², तो क्या बन जाएगा, cos 3x². तो वो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या देखते हैं कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ नॉट इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फंक्शन बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ इज बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी बी द मॉडुलस फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी 5/2 माइनस में जी ओ एफ -5/2। तो दिया हुआ है कि एफ एक्स इज ए ग्रेटेस्ट फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन का ये सिंबल होता है और मॉडुलस फंक्शन का ये सिंबल है, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी 5/2 माइनस में जी ओ एफ माइनस का 5/2, इसकी वैल्यू चाहिए। तो एफ ऑफ जी, जी क्या है, जी जी मॉडुलस फंक्शन है, तो एफ ऑफ 5/2 यानी 5/2 का मॉडुलस, तो पॉजिटिव का एफ ऑफ जी
यानी इसको सोल्व कर रहे हैं, हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ओनली इसको सोल्व कर रहे हैं, तो 5/2, 5/2 का मॉडुलस क्या होगा, 5/2, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव निकलेगा तो 5/2 आ जाएगा। अब एफ क्या दिया हुआ था, ग्रेटेस्ट फंक्शन दिया हुआ था, तो एफ को क्या बना देंगे, ग्रेटेस्ट फंक्शन, यानी 5/2 का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी वो निकालने हैं। तो 5/2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी कि 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5, नियरेस्ट किसके, 2 के, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सोल्व करते हैं जी ओ एफ को, इसने बोला जी ओ एफ, जी एफ एफ फंक्शन किस टाइप का है, ग्रेटेस्ट है, तो -5/2 का ग्रेटेस्ट, यानी -5/2 यानी माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 यानी माइनस में क्या है कि उसे छोटा की तरफ जाएंगे, तो क्या आता है, -2.5 किसके नेक्स्ट, -3 के, तो यहाँ पे माइनस में यहाँ क्या लेंगे, यानी माइनस में यहाँ क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो क्या आ जाएगा, g-3, g-3, और g क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या लग जाएगा, मॉडुलस, और मॉडुलस से हमेशा बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ 3 आ जाएगी, ये हमारा सेकेंड आ गया। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड किसमें, f ऑफ g 5/2 माइनस में जी ओ एफ, जी ओ एफ माइनस का 5/2, तो वैल्यू क्या आई थी, पहले की वैल्यू आई थी 2 और दूसरे की वैल्यू 3 थी, बट बीच में सिंबल किसका है, -3 का, तो आंसर कितना आता है, -1 का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि इफ द फंक्शन है वो रियल टू रियल इज गिवन बाय एफ एक्स एक्स प्लस 3/2 एंड जी फंक्शन है वो रियल टू रियल इज गिवन बाय जी एक्स इज 2x-3, 2x-3, तो हमें एफ ऑफ जी, जी ओ एफ और ये निकालना है, और ये बताना है कि एफ इनवर्स इक्वल होगा जी के। तो हम पहले निकालते हैं फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ जी, एफ जी फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा, 2x-3, 2x-3, तो जहां फंक्शन एफ में एक्स की एक्स है वहां पे 2x-3 पुट हो जाएगा, तो एक्स क्या दिया हुआ था, x+3, तो वहां पे पुट कर देते हैं हम, तो क्या आ जाता है, एक्स की जगह आ जाएगा 2x-3+3/2, तो 3-3 से -3 कट हो गया, 2x/2, 2 से 2 कट हो गया, कितना आ जाता है, x आता है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं जी ओ एफ, जी के अंदर एफ, एफ कितना है, x+3/2, तो अब जी 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 फंक्शन के अंदर एक्स की जगह x+3 पुट कर देंगे, तो जी फंक्शन क्या दिया हुआ था, 2x-3, तो वहां पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2x+3/2-3 लिखा हुआ है अपॉन में, नहीं इतना ही था, तो इसको 2 से 2 कट कर दिया, तो क्या बच गया, x+3-3, 3 से 3 कट हो गया, तो ये क्या आ गया, एक्स के। तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ दोनों ही एक्स के इक्वल आ गए। अब थर्ड थर्ड पार्ट क्या है, हमें एफ इनवर्स निकालना है, थर्ड पार्ट करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल वाई है और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एफ इनवर्स वाई के इक्वल। एफ एक्स क्या दिया हुआ था, एफ एक्स दिया हुआ था 2x x+3, एफ एक्स क्या दिया हुआ था, x+3/2 इक्वल वाई के हो गया, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, x+3 ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2y, फिर एक्स क्या आ जाएगा, 2y-3, तो इस प्रकार से एक्स की वैल्यू आ गई 2y-, एक्स इक्वल क्या आ गया, 2y-3। अब फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं कि एक्स इक्वल क्या है, एफ इनवर्स वाई, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट से एफ इनवर्स वाई इक्वल आ जाएगा 2y-3 फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया। अब हमने क्या कि हम क्या करेंगे कि एक्स की जगह वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, 2x-3, और आप ध्यान से देखोगे कि 2x-3 किसकी वैल्यू है, जी एक्स की, तो इस प्रकार से एफ एफ इनवर्स किसके इक्वल हो गया, जी के, यही हमें प्रूव करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।